वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि संसद के आगामी सत्र में लेखानुदान पारित होने से पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। चिदम्बरम ने कहा कि अंतरिम बजट भाषण छोटा होगा और उसमें कर कानून में संशोधनों को छोड़कर अन्य प्रस्ताव शामिल होंगे। सरकार ने आम आदमियों को राहत देते हुए गैस की कीमतों में कमी की घोषणा की। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने बताया कि सीएनजी के दामों में 15 रुपए प्रति किलो जबकि रसोई गैस के रूप में इस्तेमाल होने वाली पीएनजी के दामों में 5 रुपए की कमी की गई है। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने गुजरात में गरीबी रेखा के नए आंकड़ों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गरीबी रेखा का निर्धारण विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का जीवन और उन्हें मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित होती हैं। भाजपा ने कहा कि गरीबी की व्याख्या करती है केंद्र सरकार। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार नहीं है जिम्मेदार। जम्मू विश्वविद्यालय में आज से 101वीं वार्षिक भारतीय विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 5 दिनों तक चलने वाले विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश में रोजगार बढ़ाने के लिए विज्ञान के इस्तेमाल पर जोर दिया। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर दिल्ली में अपने विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी नेता अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी और हर्षवर्धन के इशारे पर दिल्ली में केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को बताया आधारहीन। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा कि आपके आरोपों में नहीं है कोई दम। बुधवार से शुरू हो रहे संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुलाई गई सभी दलों की बैठक में पार्टी नेताओं ने लिया हिस्सा। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं से विधेयकों को पास कराए जाने का मांगा सहयोग। भाजपा नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा कि भाजपा तमाम लंबित विधेयकों को पारित कराने में सहयोग करने को है तैयार। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सत्र में तेलंगाना और अन्य मामलों को लेकर कांग्रेसी सदस्यों की ओर से ही व्यवधान सामने आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने बताया कि रेलवे और आम बजट पर पहले चर्चा होनी चाहिए और अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई विधेयक लाती है तो हम उसका समर्थन करते हैं। दिल्ली की सब्जी मंडियों में एजेंटों से 6% कमीशन लेने के मामले पर राजधानी दिल्ली की आजादपुर मंडी और 4 अन्य थोक मंडियों में सब्जी व्यापारियों ने आज से हड़ताल शुरू की। इस हड़ताल के कारण दिल्ली में सब्जियों तथा फलों के दामों में उछाल आना शुरू हो गया है। 1984 के सिख दंगे के दोषियों को सजा दिलाने के लिए सिख समुदाय से जुड़े लोगों और संगठनों ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पूरे देश में इसी महीने 6 नए एम्स खुल जाएंगे। उन्होंने ये घोषणा आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सर्जिकल ब्लॉक और जच्चा बच्चा विभाग की नींव रखने के मौके पर की।